वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे इंडक्शन स्टोव के बारे में और कैसे इसको यूज़ करते हैं और क्या क्या इसमें फंक्शन होता है, और मैं ये भी बताऊँगा कि कौन सा इंडक्शन जो है स्टोव बेटर होता है और हम जब खरीदने जाते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और मैं ये भी बताऊँगा कि इनका जो है मेंटेनेंस कैसे करते हैं जिससे हमें जो है लॉन्ग टाइम हम इसको यूज़ कर पाएँ और इसमें किसी तरह का डिफेक्ट ना आए, और भी क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जो हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है और हम उससे कैसे बच सकें। इलेक्ट्रिक शॉक क्योंकि बिजली से चलता है उससे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, तो आइए हम आप शुरू करते हैं। और इससे पहले जो भी दोस्त अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार देख रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो है नए वीडियोस उनको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाए और इसका फ़ायदा उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने यह है इंडक्शन स्टोव जो है फिलिप्स का, और ये है 2100 वाट का यानी कि 2.1 किलो वाट का, राइट। हम अभी जो है इसको देख रहे हैं, ये पूरा आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये सर्कल है और यहाँ पर दो सर्कल है, और सर्कल इसलिए दिया हुआ है कि अगर आप छोटा यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक छोटा सा यूटेंसिल यहाँ रखा है, तो इसको सेंटर में रखिए बिल्कुल आप, और जब आप ऑन करेंगे तो जो है हीट यहाँ तक निकलेगी, और आप जो है बड़े बर्तन जब यूज़ करेंगे, आप बड़े बर्तन भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसको सेंटर में रख दीजिए, तो मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊँगा तो उसके लिए है, और मैं ये भी बताऊँगा इसमें किस तरह के बर्तन यूज़ करते हैं और कौन से बर्तन इस पर काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको इसका फंक्शन बता दूं कि इसमें क्या क्या होता है, और चलिए अभी मैं थोड़ा सा वीडियो को बड़ा करता हूं ताकि आपको बहुत ही क्लियर दिखाई दे, और अभी आप देख सकते हैं इसमें ये जो बटन्स हैं आपने देखा है, यहाँ पर ये मैनुअल बटन है और यहाँ पर है रोटी डोसा के लिए, मैनुअल बटन हम सेलेक्ट करेंगे तो मैनुअली हम इसका टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं, और रोटी डोसा जब हम बना रहे हैं, रोटी या डोसा बना रहे हैं तो हमें ये बटन जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, ग्रेवी बनाने के लिए जो है बटन दिया हुआ है स्पेशली, और स्टियर फ्राइड के लिए यहाँ पर है, तो स्टियर फ्राई करेंगे तो हम ये वाली बटन दबाएंगे और इस पर सेट कर देंगे, और स्लो कुक के लिए ये दिया हुआ है बटन, और यहाँ पर है प्रेशर कुकर यानी कि हम जब यूज़ कर रहे हैं तो इस बटन को आप डायरेक्टली दबा दीजिए, और ये टेम्परेचर सेटिंग के लिए है, यहाँ पर टाइमर है, और ये माइनस और प्लस जो आप ये देख रहे हैं दो बटन्स है जिसको हम जब मैनुअल में करेंगे तो हम यहाँ से इसका टेम्परेचर मैनुअली सेट कर सकते हैं, प्लस करेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, और मैक्सिमम 240 डिग्री आपका यहाँ सिलेक्शन है उसमें जो है 2100 वाट का ये जो पावर कंज्यूम करेगा, राइट। तो इसी तरह से जब आप मिनिमम देखेंगे तो 120 जो है वाट का है, और वो सिर्फ वार्म करने के लिए होता है, और जब 500 वाट पे आप सेलेक्ट करेंगे तो 100 डिग्री टेम्परेचर ये मेंटेन करेगा, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉज बटन, यानी कि जब आपको जिस भी कंडीशन में चल रहा है वहीं पर आपको रोक देना है तो आप एक पॉज बटन को दबा दीजिएगा, और जब ऑफ करना हो तो ये ऑन ऑफ बटन है, इसको आप दबाएंगे तो ये ऑन होगा और दोबारा दबा देंगे तो इसे ऑफ हो जाएगा, और आप देखेंगे कि ऑफ करने के बाद भी यानी कि जब आप ऑफ कर देते हैं तो इसका जो है इसके अंदर एक फैन होता है, मैं वो भी बताऊंगा, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका फैन है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कटिंग है, तो बेसिकली इसके नीचे एक फैन लगा हुआ है, यहाँ से ऊपर से जो है हवा नीचे ये लेता है और आपको मैं दिखाऊंगा कि ये यहाँ से ऊपर फेंकता है, ये जो पोर्शन है इसका एग्जास्ट का है, ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन एग्जास्ट का है, यहाँ से बाहर फेंकता है, तो इसका मतलब यहाँ से हवा लेगा और वहाँ से बाहर फेंकेगा, तो इसके अंदर की जो मैग्नेट लगी हुई है उसकी कूलिंग के लिए काम करता है, और आप देखेंगे जैसे आप ऑन करेंगे तो ये एग्जास्ट का जो है फैन भी ऑन हो जाता है और ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, राइट। तो इस प्रकार से ये आपका टोटल इसमें फंक्शंस है, मैं आपको जो है इसको ऑन करके दिखाऊंगा और मैं आपको मेंटेनेंस करना भी सिखाऊंगा इसमें कि इसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, तो अभी आप देख लीजिए ये आपके सामने है, अब मैं इसका थोड़ा सा जो है और बड़ा करता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे, और अभी आप देखिए आपके सामने है इंडक्शन कुकर, मैं इसका पावर ऑन करता हूँ, ये पावर ऑन करने के बाद आप देखें कि यहाँ पर सिर्फ एक एलईडी ये जल रही है यानी ऑन ऑफ जो है ब्लिंक कर रही है,
क्योंकि इसके ऊपर कोई यूटेंसिल नहीं है। इसमें एक और सेंसर है, यदि आप यहाँ पर कोई बर्तन नहीं रखा हुआ है और आप ऑन करते हैं तो सेफ्टी के तौर पे ये बीप देगा और कोई हीट जो है प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो आइए हम पहले इसको देख लेते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर यहाँ से ऑन कर दिया है और मैनुअल बटन दबा दिया है। यहाँ पर जो है इसका फ़ैन चालू हो गया है, 1000 किलोवाट अभी यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ बीप आ रही है, इसका मतलब ऑन नहीं है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस वाले बर्तन को, छोटे वाले को हमने यहाँ रख दिया है, तो आप देखेंगे, हमने थोड़ा पावर कम कर देता हूँ, अभी 800 वाट में मैंने रखा हुआ है इसको, और हम देखेंगे कि देखिए ये गर्म होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं आप क्लोजली कि ये अब गर्म होना शुरू कर दिया है। और अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, अब बड़े बर्तन में रखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको हटा लेता हूँ, काफ़ी गर्म हो गया है और आप देखिए इसके अंदर से भाप भी निकलने लगी है। और अब मैं बड़ा बर्तन रखता हूँ, अब देखिए बीप आने लगी थी क्योंकि बर्तन नहीं था, अब बीप नहीं आ रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये भी गर्म हो रहा होगा, तो देखिए ये देखिए, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें से देखिए भाप निकल रही है, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये गर्म काफ़ी फास्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए अब आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्चुअल बर्तन है ये आप देखिए, यानी कि वो स्टील का बर्तन था तो स्टील यहाँ पर काम कर रहा है। मैंने ये जो बर्तन रखा हुआ है ये स्पेशली जो है इसी के लिए जो है कि आया हुआ है, इसका एक पहचान है। यहाँ आप देखेंगे डबल जो है यहाँ पर लेयर होती है, सैंडविच बॉटम बोलते हैं इसको, तो ये इसका सैंडविच बॉटम होना चाहिए। और क्योंकि ये बॉटम को ही गर्म करता है, और आप देखेंगे कि जो नीचे में ये लाइनिंग बताया था, ये लाइनिंग को बिल्कुल इसके ऊपर आप रख दीजिए, और जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ से ऑन कर दीजिए। ये मैनुअल ऑन कर दिया, अभी 1000 वाट चल रहा है, अब मैंने और कम कर दिया इसको, 800 वाट पे कर दिया हूँ जैसे आपको दिखाने के लिए। और इस पर भी जब आप पानी का जब वो देंगे छीटा, तो आप देखेंगे कि इसमें से निकलने लगेगा भाप, निकलेगी, देखिए अब भाप निकलने लगी है, इसका मतलब ये भी गर्म होने लगा है, ठीक है। अब भाप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने बंद कर दिया। तो ये है आपका, यानी कि स्टील पे ये काम करता है, स्टील और आयरन पे काम करता है, और लेकिन ये एल्युमिनियम पे काम नहीं करता है, राइट। अभी देखिए मैंने यहाँ से बंद कर दिया है, लेकिन आप देखेंगे कि ये फ़ैन चल रहा है, आवाज़ आप सुनिए, ये जो आवाज़ है फ़ैन की है, और 1 मिनट के बाद में ये आवाज़ बंद हो जाएगी, और आप देखेंगे कि जो है बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, ये अपने आप ही ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक होता है। 1 मिनट इसलिए चलता है कि जब हम इसको करते हैं तो इसकी जो प्लेट है, सिरामिक प्लेट है यहाँ पर, और ये जो है काफ़ी गर्म हो जाती है, और इसके नीचे जो मैग्नेट लगा हुआ है वो भी गर्म रहता है, तो ये जब नीचे से हवा लेकर के और बाहर फेंकता है तो उसको ठंडा कर देता है। प्रिकॉशन लेना है हमें कि ये जो इसका स्लैब है, स्लैब के नीचे पानी नहीं होना चाहिए या कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, डस्ट वगैरह पार्टिकल नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा, उसको जो है खींच करके बाहर फेंकेगा, तो उससे जो है कि हमारे इसके अंदर में डस्ट जाने के चांसेस हैं या पानी जाने के चांसेस हैं। देखिए अभी ब्लोअर बंद हो गया इसका, तो ये सेटिंग इसकी ऑटोमेटिक है, जब आप यहाँ से बंद करेंगे तो ये जो है ब्लोअर 1 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, ये इसके कूलिंग के लिए है। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसका जो है प्रिकॉशन लेते हैं कि जब कभी भी हम इसको चलाते हैं तो बीच में हमें ध्यान देना चाहिए कि जो फ़ैन है हमारा यहाँ पर, पहले तो इसको क्लीन करते वक्त हमें जो है इसकी मेन सप्लाई यहाँ से बंद कर देनी है ताकि हमें किसी तरह का शॉक न लगे। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हवा लेता है, इस पर कभी कभी काला काला जो है ना वो जाले टाइप बन जाते हैं, डस्ट जम जाती है, तो हमें जो है इसको साफ़ करते रहना चाहिए। देखिए और यहाँ पर जो आउटलेट है इसका, वहाँ साफ़ कर दीजिए, और सराउंडिंग भी आप टाइमली साफ़ करते रहिए, ठीक है। और इसकी बनावट ऐसी होती है कि अगर आपका खाना बनाते वक्त कोई चीज़ स्पिल होता है, बाहर निकलता है, तो इसके अंदर जाने के बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि ये पूरे इनक्लोज होता है, और इस तरह से होता है कि इसमें पानी वगैरह नहीं जाएगा, यहाँ से पानी सीधा नीचे गिर जाता है, तो आप उससे निश्चिंत रहिएगा, इस पर इस तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप इसको ऑफ़ करना चाहेंगे, या सडनली आपने दूध रखा हुआ है और दूध बाहर उबल रहा है, तो आप इमेट जो है पॉज बटन इसको आप दबा देंगे तो वहीं पर बंद हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये रखा हुआ है, सपोज मैंने यहाँ से ऑन किया और ये ऑन है, मैंने मैनुअल बटन दबा दिया है, अब सपोज़ हमारा दूध यहाँ से बाहर निकल रहा है,
तो हम यहाँ पर पॉज बटन दबा देंगे। पॉज बटन दबाते ही हमारा मैग्नेट्रॉन जो है वो बंद हो जाता है और ओनली फैन चलता है, तो जो बाहर जो है हमारा उबल कर निकलने वाला था वो वहीं पर रुक जाएगा। तो इमीडिएट पॉज बटन दबाइएगा, पॉज बटन इसी के लिए होता है। फिर आप दोबारा पॉज बटन दबाएंगे तो सेम जो दो में चल रहा था उसी पे चलता रहेगा, राइट। तो इस करके आप जो है यहाँ से पॉज बटन दबा सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको बताता था रोटी, तो अगर आप रोटी का दबाएंगे तो रोटी में तीन पे चलेगा, ऑटोमेटिक सेटिंग है। ग्रेवी पे दबाएंगे तो दो पे चलेगा, ग्रेवी के लिए है। स्टेयर फ्राई के आप दबाएंगे तो देखिए पाँच पे है, तो आपका ऑटोमेटिक सेटिंग है। स्लो कुक के लिए आप यहाँ दबाएंगे, स्लो कुक पे चलेगा। और प्रेशर कुक के लिए, प्रेशर कुक के लिए आपको यहाँ पर दबाना है, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ 1300 वाट ले रहा है। तो इस तरह से टेम्परेचर सेटिंग के लिए है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से अपना इसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी देखिए उबलने लगा है काफ़ी, मैं यहाँ से बंद कर दिया हूँ। तो ये है आपका, इसमें जो है एनर्जी सेविंग काफ़ी ज़्यादा है, और कंपेयर करेंगे गैस से तो ये काफ़ी किफ़ायती है। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जब इसको ख़रीदने जा रहे हैं तो कौन सा ख़रीदना चाहिए, कौन सा नहीं ख़रीदना चाहिए। अक्सर मार्केट में जो है बहुत तरह के जो है इंडक्शन स्टोव आपको अवेलेबल है, मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप ख़रीद रहे हैं तो आप अच्छे ब्रांड में जाएं और उसका रिव्यू वगैरह देख लें। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं आपको बताऊँगा, ये मैंने फ़िलिप्स का लिया हुआ है और इसका जो है रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, और इसके कॉयल्स वगैरह जो हैं कॉपर के हैं और काफ़ी हाईटेक है, और इसमें अभी तक तो कोई ऐसी इशू नहीं आई है, इसलिए मैं एक सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ। और थोड़ा सा ये कास्टली है, और मार्केट में तो वैसे आपको 1200 से लेकर के जो है 1500, 1800, 2100, 2000, 3000 तक मिलेंगे, लेकिन इसका रेट जो है 3000 के ऊपर है, 3500 के आसपास में। तो आप जो है अगर अच्छा लेंगे तो आपको बार बार जो है भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लेते वक्त जो है आप यही देखिएगा कि इसमें सेफ्टी होनी चाहिए, कि अगर आपका यूटेंसिल्स नहीं है अगर इस पे है तो उसकी वार्निंग आनी चाहिए, और टेम्परेचर्स का कंट्रोल होना चाहिए उसमें, और इस तरह की जो है, और इसके ऊपर जो है सिरामिक होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ प्लास्टिक भी देते हैं, बट प्लास्टिक में इशू आता है कि जब आपका यूटेंसिल्स गर्म होता है तो कभी कभी प्लास्टिक जो है मेल्ट होने के चांसेस है, बट ये सिरामिक है तो इस तरह का इशू नहीं आता है। तो आप जो है सिरामिक के लिए जाएं, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जो है लिखिएगा, मैं उसको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और जो भी सदस्य अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।